मतलब भाई अगर एक लाइन पे तुम अपना ओपिनियन बताओ तो मैं इतना ही कहूँगा, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। नमस्ते, मेरा नाम राजा गोपाल होता, अब राजा कुर में एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है बंदे, वीडियो ब्रैकेट में लिखा है वीडियो विक्रम वेदा, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, सैम सी एस, मनोज मुंतशिर, शिवम। ये विक्रम वेदा करके एक नई मूवी आ रही है, वो तो सबको पता ही है, बहुत हाइप बना हुआ है। तो उसका एक दूसरा गाना है बंदे करके, तो देखते हैं गाना कैसा होता है, किस टाइप का होता है। जो ट्रेलर में टाना ना 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 करके जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसका फाइनल ये गाना है, तो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं होता पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, मैं तो दोनों का फ़ैन हूँ भाई, अच्छे लगते हैं, या विक्रम वेदा का मूवी वेट कर रहे हो, ओरिजिनल वाले का बहुत बड़े फ़ैन हो, फिर तो पक्का मेरा पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर ये बंदे गाने के ऊपर मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो एक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना मोटिवेट होगा। तो वीडियो स्टार्ट बन लेता, वीडियो स्टार्ट करते हैं ना किसी देरी के, लेट्स गो। सॉरी फॉर द लंबा इंट्रो, लेट्स स्टार्ट। ओहो, टॉप एंगल, ओहो, ये भाई साहब ऋतिक रोशन का लुक। एक अपराध एक दंड, अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, वो भी है। और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है, दोनों में से किसको सजा देंगे आप? काला क्या सफेद क्या, कि दोनों में है भेद क्या, ये खाम खान से। यार पॉज करना है यार, मेरा मन कर रहा बिना पॉज करे गाना सुनो, लेकिन ऋतिक रोशन का लुक यार, वो ऐसे बाल लटकते हुए थोड़े स्ट्रेट है और थोड़े छोटे दाढ़ी, मतलब दाढ़ी ज्यादा ही है, लेकिन आए है दिल जीत लिए यार, कसम से ऋतिक रोशन का लुक ने। भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है नर्क क्या, ये भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है नर्क क्या, ये पाप पुण्य सब फिजूल है। भाई एक्शन मस्त करेगा ऋतिक अपना। सिनेमेटोग्राफी को भी भाई, कैमरा एंगल्स, हाँ क्या टाइमिंग है। देवता बोलो कौन है, बेखता बोलो जुर्म का दाग है, देखो देखो खून है हाथ पे। एंडिंग में लिखा विक्रम वेदा, क्या एंड हुआ है यार भाई, सीरियसली मैं लाइक करेगा भाई, गाना तो ओपी है लेकिन ऋतिक रोशन के लिए तो मैं लाइक करेगा। तो भाई फाइनली गाना ख़त्म, गाना कैसा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच आप लोगों का, कि आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया एल्कोहलिया गाने पे, उसमें तो सच में नशा हो लिया भाई, सीरियसली 500 व्यूज़ और 45 लाइक, 500 के ऊपर व्यूज़ हैं और 45 लाइक्स है, थैंक यू सो मच। भगवान करे इस गाने में भी, मतलब इस रिएक्शन वीडियो में भी मेरे को ऐसा ही रेस्पॉन्स मिले। तो भाई बात करते हैं गाना कैसा है, जैसे उसमें मैंने बोला था भाई अगर एक लाइन पर तुम अपना ओपिनियन बताओ तो मैं
इतना ही कहूँगा ओरिजिनल इज ओरिजिनल, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, मैंने सोच के रखा था, बट सीरियसली बोल रहा हूँ ये भी काफ़ी अच्छा। वो तो थोड़ा ज़्यादा लाउड म्यूजिक के साथ था, बट ये थोड़ा कम कर रखा है, लेकिन सीरियसली जाता था। और हेडफोन में पता नहीं थोड़ा कम आवाज़ आया, इसलिए लिरिक्स में सुनने में प्रॉब्लम था। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर से और मेकअप आर्टिस्ट से, भाई तुमने सच में विलन वाला लुक दिया है क्या? मेकअप आर्टिस्ट से पूछना चाहता हूँ, और डायरेक्टर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, शायद रवि और गायत्री नाम है, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है ना, उनसे पूछना चाहता हूँ, ऋतिक रोशन को सच में विलन रखा है उस गाने में? तो चलो फिर भी ठीक था, एल्कोहलिया में जो दारू पी के डांस करता हूँ उसमें तो फिर भी विलन जैसा लुक था। भाई इसमें इतना कम, मतलब बाल थोड़े कम मतलब हैं, ज़्यादा ऐसे फैले हुए नहीं है, कर्ली जैसा नहीं है, और दाढ़ी भी ऐसे पूरा लटक नहीं रहा अजीब तरीके से, एकदम परफेक्ट लुक है, लग ही नहीं रहा भाई कसम से सच में पिक्चर में विलन है। भाई दिल जीत लिया ऋतिक रोशन ने। सैफ अली खान तो अच्छा ही लग रहा, स्मार्ट और हैंडसम पुलिस वाला करके, लेकिन ऋतिक रोशन भाई मैं सच बोल रहा हूँ, सैफ अली खान का पता नहीं, लेकिन लड़कियां स्पेशली, मैं लड़का होकर खुद इस पे फिदा हो गया भाई इस गाने में देख के, क्या लुक था ऋतिक रोशन का सीरियसली। और ताना ना 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 भाई जिसने गाना गाया ना वो भी भाई साहब, लिरिक्स भी सही था, क्या काला क्या सफ़ेद करके ये वो करके बंदा तू फटा ऐसे कुछ, सीरियसली यार गाना बहुत अच्छा था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब आगे भी कोई आएगा कि पता नहीं, बट ये दोनों गाने बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, कोई रोमांटिक गाना हो तो पता नहीं, बट जो भी हो भाई गाने ने सच में दिल जीत लिया। एक्शन वैक्शन हो भाई जो दिखाया है, ऋतिक रोशन काफ़ी हैंडसम लग रहा है, सैफ अली खान भी सेम लग रहा भाई, कैमरा मूवमेंट्स वगैरह जो मतलब एंगल वगैरह दिखाया, जो सिनेमेटोग्राफी भाई सब सीरियसली बहुत अच्छा है भाई, सीरियसली बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छे हैं, अच्छे तो होंगे ही भाई, इतना थोड़ी बेकार गाना बनाएगा कोई बॉलीवुड वाला वैसे। और सिंगर का वॉइस भी काफ़ी अच्छा था, और लास्ट में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन जैसे शुरू में बोला अच्छा था, तो ओवरऑल बोलूँगा वेरी गुड एंड एंटरटेनिंग सॉन्ग, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था भाई सुनने लायक था, बैकग्राउंड म्यूजिक तो सबसे में ओपी था, प्लस पॉइंट है भाई सीरियसली। तो ओवरऑल बोलूँगा गाना सही था। तो उम्मीद है तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया, मैंने तो ओरिजिनल वीडियो को लाइक कर दिया, तुम्हें भी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और जितने भी नए व्यूवर्स हो, विक्रम वेदा का वेट कर रहे हो हिंदी वाले का, और रिएक्शन वीडियो देखने का शौक है, और मेरा ये बंदे गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं फिर किसी और नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।